हेलो दोस्तों, होम शेफ 283 पूजा के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाएंगे आम से। हमारे यहाँ सफेदा आम इस सीजन में बहुत मिलता है। और ये देखिए, इनको भिगो लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं क्योंकि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है। धोने के बाद इनको साइड पे रख देंगे। सबसे पहले एक खाली बर्तन में मैंने दूध डाल लिया है। दूध डालने के बाद इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल ली है। अभी हमने इस बर्तन को गैस पे नहीं चढ़ाया है तो इसको अब साइड पे रख लेते हैं। अब एक अलग से बर्तन में 2 चम्मच मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, उसको डालने के बाद पानी मिक्स किया है। कस्टर्ड को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और इस घोल को अब दूध और चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको गैस पे चढ़ा लेते हैं। तो मैंने मीडियम आंच में ही इसको चढ़ाया है और इसको हमने अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड डाला है तो उबाला आना शुरू हो गया है और ये थिक भी होना शुरू हो गया है। अब कस्टर्ड काफी थिक हो चुका है तो इसको अब हम साइड पे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए एक सफेदा आम मैंने ले लिया है जो कि साइज में काफी बड़ा है, तो इसको रफली हम चॉप करके रख लेते हैं साइड पे। तो अब मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, सारे आम उसमें डाल लेते हैं। आम के साथ मैंने इसमें डाली है घर की फ्रेश मलाई। फ्रेश मलाई डालने के बाद मैंने इसमें डाला है मिल्कमेड। मिल्कमेड डालने के साथ अमूल की फ्रेश क्रीम भी मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच डाल ली है। इससे भी आइसक्रीम बहुत क्रीमी बनेगी। तो इसको डालने के बाद अगर आपको कोई नट्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नट्स को मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है और थोड़े से मैं इसमें डाल लेती हूँ जार में, थोड़े बाद में यूज करूंगी। कस्टर्ड भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, इसको हिलाने के बाद मैंने उसी जार में इसको डाल लिया है। सारा कस्टर्ड डालने के बाद अब इसको कवर कर लेंगे जार को और 2 से 3 बारी इसको पल्स मोड में मिक्सी जार को चला लेंगे। और ये देखिए, आइसक्रीम का जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अब मैंगो आइसक्रीम का जो बैटर है वो मैंने एक डिब्बी में डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। जिस तरह का डब्बा है उसी आकार में इसको फैला लेंगे और फैलाने के बाद इसको थोड़ा सा टैप भी करेंगे। एल्युमिनियम फॉइल से इसको मैंने कवर कर लिया है और ढक्कन लगा के 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में लगा दिया है। फ्रीजर से निकालने के बाद इसको मैंने फिर से मिक्सी जार में डाल लिया है। ये जो बनी हुई आइसक्रीम है इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसके बाद मिक्सी चलाएं। तो 1 से 2 बारी चलाने के बाद ये देखिए, हमारा जो मैंगो का आइसक्रीम का बैटर है वो कितना क्रीमी और शाइनी बनके तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको फिर से उसी ही डब्बे में डाल लेना है जिसमें हमने पहले ये मैंगो आइसक्रीम जमाने के लिए डाली थी। तो इसको फिर से अच्छी तरह से फैला लेते हैं। ऐसे तो सिंपल भी मैंगो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, मगर हमारे पास थोड़े से नट्स पड़े हुए हैं तो वो थोड़े से इसके ऊपर हम डाल लेते हैं। इससे भी बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा आइसक्रीम में। और मेरे पास थोड़े से कटे हुए आम भी बचे हुए हैं तो वो भी इसमें लगा लेते हैं। तो जब ये ठंडे होंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे आइसक्रीम के साथ। तो इसको भी सारी आइसक्रीम वाले मोल्ड में डाल लेते हैं। तो सारे आम हमने डाल लिए हैं तो अब इसको फिर से कवर करेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में फिर से लगाएंगे। अगर लगाने से पहले इसको हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे जैसे हमने पहले कवर किया था और साथ में इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे। तो 5 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीजर में लगा लिया है क्योंकि गर्मी बहुत है, 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं तो अब इसको मैंने चेक कर लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम जम गई है। तो अब इसको अब सर्व करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम घर में ही बनके तैयार हो गई है। तो गर्मियों की छुट्टियों में अब आप आराम से घर में मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही इजी है, सभी घर में आराम से बना सकते हैं। बनाना तो आसान है, बस इसको जो फ्रीजर में आपने ठंडा करने के लिए रखना है उसी में ही टाइम लगेगा। तो एक दिन आप इसको पूरा दिन अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए, नेक्स्ट डे से इसको खाना शुरू कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। अब ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद है और बड़ों को भी बहुत पसंद है क्योंकि आम का सीज़न जो है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।